हेलो एवरीवन वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी बन जाता है बिकॉज ये केवल एक टॉपिक नहीं एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एरिथमेटिक डिफरेंट टॉपिक्स में भी देखने को मिलेगा जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम्स पे डिस्टेंस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस हो गया परसेंटेजेस हो गया हर जगह पर कहीं ना कहीं रेशियो एंड प्रपोर्शन का काफी ज्यादा यूज जो है वो देखने को मिलता है ठीक है तो बहुत ही ध्यान से इस पर्टिकुलर टॉपिक को कर लेना हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल अप्रॉक्सिमेटली टेन टाइप्स के डिफरेंट क्वेश्चन को जो है वो कवर किया हुआ है सो so दैट आपको एक वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग बेसिकली इस वीडियो में प्रैक्टिस कर लें एंड इसके बाद आप अपने बेसिक पास्तीय क्वेश्चन हो गए या फिर आप जहाँ से भी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो है वो टारगेट कर रहे हो वहां पर आप देखोगे दैट काफी सारे क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे ठीक है तो चलो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं प्रपोर्शन exactly हम लोग बाद में कर लेंगे, पे जो है वो कर लेंगे। तो अगर मैं की बात करूं, तो रेशियो जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है वो दो डॉट्स कुछ इस तरीके से मैंशन करते हैं ठीक है अब ये रेशियो बेसिकली होता क्या है रेशियो बेसिकली किसी भी दो चीजों में कंपेरिजन होता है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं दैट ए के पास हंड्रेड रुपीज है ठीक है एंड बी के पास फिफ्टी रुपीज है ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया तो अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो सिंपली रेशियो का मतलब होता है डिविजन तो ए रेशियो बी का मतलब हो जाता है आपका ए डिवाइडेड बाई बी यानी कि आप इसको कह सकते हो हंड्रेड डिवाइडेड बाई फिफ्टी दैट कम्स आउट टू बी टू बाई वन जिसको हम लोग रेशियो के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो is to जो है वो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो हर दो रुपए के लिए बी को वन रुपीज जो है, वो मिलने वाला है ठीक है मतलब अगर ए के पास फोर रूपीज होंगे तो बी के पास टू रुपीज होंगे A के पास सिक्स रुपीज होंगे तो बी के पास थ्री मतलब ये जो मल्टीप्लीकेशन uh, फैक्टर जो है वो सेम रहने वाला मतलब आप ये कह सकते हो दैट ए के पास टू का मल्टीपल अमाउंट है किसी चीज का तो बी के पास वन का मल्टीपल है एज सिंपल एज दैट ठीक है अब क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप टू इज टू वन को जो है वो टू एक्स और वन एक्स लेकर सॉल्व कर सकते हो या फिर अगर आपको एक्स लेने का मन नहीं है तो भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन को करने का तरीका आप सीखोगे जब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ेंगे इन दैट केस ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि रेशियो से रिलेटेड है वो आप अपने नोटबुक में जरूर से नोट डाउन कर लो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है रेशियो की वो हम लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब सबसे पहला ये चीज है दैट रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग करते हैं रेशियो जो है इज ऑलवेज इन सिंपलेस्ट फॉर्म इसका ये मतलब है दैट अगर मैं आपसे बोलता हूं हंड्रेड रेशियो फिफ्टी तो ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन गलत है आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के जाना होगा टू इज टू वन कई बार ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन दिखे तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट वन ठीक है रेशियो को हमेशा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लेकर के जाना है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है दैट रेशियो के केस में आपको फ्रैक्शन को अवॉइड करना है अवॉइड फ्रैक्शन मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते किसी ऐसे स्टेज पर आ गए जहां पर आपको है से थ्री बाय टू रेशियो लेट से फाइव बाय टू इस तरीके का कुछ आपको रेशियो के टर्म्स में चीजें आ चुकी हैं तो आपको ये डिनोमिनेटर वाला जो टू है ना उससे उसको बेसिकली रिमूव करना होता है कैसे रिमूव करोगे दोनों डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा उससे आप इस दोनों दोनों के दोनो रेशियो को जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है तो यहां से जो है वो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा हम लोग में देखेंगे दैट देख, हमारे एग्जाम्पल्स में किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को रिमूव करके चीजों को जो है वो मैंशन करने वाले हैं ठीक है तो सेकंड पॉइंट क्या था हम लोगों को रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन का यूज नहीं करना है हम लोगों को उसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट को रिमूव करना है उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो ये दैट रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है ठीक है रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देखोगे दैट किस तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड भी ये थर्ड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाते हैं तो ये तीनों पॉइंट जो है दैट रेशियो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो में हम लोग फ्रेक्शन को अवॉइड करते हैं एंड रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन में ठीक है तो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो है वो रेशियो प्रपोर्शन में सॉल्व हो सकते हैं ओके ये हमारा सबसे पहला टाइप वन क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आपसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट सीखा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट ए इज इज बी सी इज इसको सी कर लेना देन फाइंड ए इज टू बी इज टू सी ठीक है तो ऐसे केस में आपको पता ही है दैट आपको रेशियो को जो है वो टेन इज ट्वेंटी में रिप्रेजेंट नहीं करना होता है आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो लेकर के जाना होता है तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो होगा आप सिंपली थर्टी करोगे एंड तीनों जगह से जीरो को जो है वो कैंसिल आउट कर दोगे बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था आपको ये चीज जो है वो पहले से ही आती होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बाय सेवन इज इक्वल टू बी सिंपल क्वेश्चन है इसमें आपको कोई ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है दैट ऐसे केस में जो में जो डिनोमिनेटर होता है है वही आंसर हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो कि इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा किसी भी कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वहां पर आप इस ट्रिक को जो है वो लगा सकते हो अब देखो आप इंडिविजुअली सभी फ्रैक्शन को पकड़ो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को वन करने के लिए ए की क्या वैल्यू होगी अगर ए किसी तरीके से मेरा सेवन बन जाए तो मेरा सेवन बाय सेवन इक्वल टू वन हो जाएगा बिकॉज अगर मैं इन तीनों को किसी तरह वन क्रिएट कर देता हूं वन के इक्वल ले आता हूं तो वन इक्वल टू वन इक्वल टू वन हो जाएगा करेक्ट तो ए को अगर सेवन में रख देता हूं तो ये पहला पार्ट जो है वो एक तरीके से वन हो जाएगा सिमिलरली बी को कितना रखूं सो so ये सेकंड पार्ट जो है वो वन हो जाएगा तो बी को मैं फाइव रखूंगा तो ये सेकंड पार्ट जो है वो वन बन जाएगा सिमिलरली सी को कितना रखना पड़ेगा सी को थर्टीन रखना पड़ेगा तो एस टू बी सी फाइव इज टू थर्टीन तो बी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है इसको करने का एक और तरीका होता है आप इसको जो है वो k के इक्वल रख सकते हो a बाई सेवन इज इक्वल टू बी बाई फाइव इज इक्वल टू सी बाई थर्टीन इज इक्वल टू के तो a आपका आ जाता है सेवन के बी आपका आ जाता है फाइव के एंड सी जो है वो आपका आ जाता है थर्टीन के आप इन तीनों में से के को जो है वो कैंसिल करोगे अगेन से आपका आंसर जो है वो सेवन इज टू फाइव इज टू थर्टीन आ जाएगा बट ये मेथड जो है वो जनरली मैं अवॉइड करता हूं एंड आपको भी रिकमेंड करूंगा आप इस मेथड को अवॉइड करो बिकॉज ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग मैथड है ठीक है एंड जब क्वेश्चन कॉम्प्लीकेटिंग होने कॉम्प्लिकेट होने लगते हैं तो ये कहीं ना कहीं मैथड जो है वो थोड़ा सा आपको एक तरीके से कंफ्यूजन में रख सकता है आप इस पर्टिकुलर मेथड को अवॉइड करो चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब यहां पे भी जो है वो आप उस मेथड का बहुत ही ज्यादा इजीली यूज कर सकते हो जनरली इसका एक शॉर्टकट भी होता है पहले आप ए को हाइड कर दो फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी इज टू इसके बाद आप बी को हाइड कर दो फाइव इंटू थ्री इज फिफ्टीन उसके बाद आप सी को हाइड कर दो सी को हाइड करने के बाद फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व ये भी एक शॉर्टकट है बट जनरली इसको आप अवॉइड करो आप डायरेक्टली देखो ट्वेंटी इसका करेक्ट आंसर है बट आप इसको अगेन जो हमने अभी मेथड सीखा उससे आप इसको फॉलो करने की कोशिश करो ए की क्या वैल्यू रखी जाए सो दैट ये पहला टर्म जो है वो वन बन जाए तो ऑब्वियसली वन बाय थ्री रखोगे आप बी की क्या वैल्यू रखी जाए सो दैट ये वाला टर्म जो है वो वन बन जाए इसके लिए आपको वन बाय फोर रखना पड़ेगा एंड सी की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी ये पूरे को oh वन बनाने के लिए by तो आपका A is to B is to C जो है वो by is to by is to by आ जाएगा अब मैंने आपको बताया था fractions को हम पर्टिकुलर तो रेशियो में से डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे इसके एलसीएम से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर आप जब देखोगे तो थ्री इंटू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी इंटू वन इज ट्वेंटी ट्वेल्व तो ट्वेंटी अगेन आपका करेक्ट आंसर है इसको करने का एक थर्ड मेथड भी होता है दैट आप इन तीनों को जो है वो इक्वल टू एक इसके इसके एलसीएम के मान लो आप इक्वल बट हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड याद रखने से अच्छा है आप एक ही मेथड सीखो वन बनाने वाला एंड उसी मेथड से आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे तो मैं मल्टीपल क्वेश्चन के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट याद रखने में बिलीव नहीं रखता हूं जो मैंने आपको वन क्रिएट करने वाला ऑप्शन बताया आप देखोगे दैट देखो इस पर्टिकुलर टाइप में भी जो वन बनाने वाला मेथड है वो ईजिली जो है वो आप इसको सॉल्व कर दोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पहले पार्ट को देखो इसको वन क्रिएट करने के लिए हम लोगों को ए की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी यहां पर पहले से है तो अगर मैं A को रख दूं तो तो ये 1 बन जाएगा बी तो की वैल्यू कितनी आ गई बी की वैल्यू आ गई फाइव बाय सेवन एंड सी की वैल्यू कितनी आ गई सी की वैल्यू आ गई थर्टीन बाय ट्वेंटी वन तो मेरा जो रेशियो है वो क्या आ गया सेवन बाय थ्री इज टू फाइव बाय सेवन इज टू थर्टीन बाय ट्वेंटी वन करेक्ट

आ जाएगा। तो आपने देखा देखा देख, हमने एक मेथड सीखा वन बनाना है क्वेश्चन जो है वो हमने सोल्व कर लिए हैं ठीक है अब इससे रिलेटेड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए आप इस वन बनाने वाले टेक्निक को याद रखो इसको आप यूज करोगे तो इजिली क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यहां पर देखो क्वल टू थ्री इंटू फोर एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू एट इज टू नाइन फाइंड एज टू बीज टू सी अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि आपको समझना पड़ेगा आगे आने वाले जो क्वेश्चन है जब हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर या फिर सैलरी के कंपेरिजन वाले क्वेश्चन करेंगे वहां पर भी जो है वो आपको ये हेल्प करने वाला है अब देखो ए इज बी की वैल्यू कितनी दी हुई है पहले थ्री इज टू फोर मतलब अगर मेरा ए थ्री यूनिट्स है तो बी मेरा कितने यूनिट्स है फोर यूनिट्स है अब b is to c की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है एट है मतलब अगर b एट है तो c नाइन है अब यहां पर आप पहले तो कॉन्फ्लिक्ट देखो कहां पर क्रिएट हो रहा है b कॉमन है ठीक है b कॉमन है पहले पार्ट में मुझे बोला जा रहा है दैट भाई b तो जो है ना वो फोर है बट सेकेंड पार्ट में मुझे बोला जा रहा है दैट b तो जो है वो एट है तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है करेक्ट b कहीं कहीं पे आप बोल रहे हो फोर है कहीं पे आप बोल रहे हो एट है तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोगों को b को एक यूनिट में ले मतलब एक ही जैसा क्रिएट कर ले तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा तो इसको करने का जो लेंदी मेथड होता है वो ये होता है दैट ऊपर वाले को मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज मैंने आपको रेशियो में ये चीज बताई थी जो प्रॉपर्टी आप किसी एक टर्म में यूज कर रहे हो ना अगर या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप डिवाइड कर रहे हो तो सारे रेशियोज में मतलब ये पूरे रेशियो में ए इज टू बी इसमें भी आपको पूरे चीजों को जो है वो करना पड़ेगा जैसे मैं अगर टू मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो केवल फोर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मुझे इस टू को थ्री से भी करना होगा तभी रेशियो जो है वो अनचेंज्ड रहेगा तो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा सिक्स इज टू एट ठीक है एंड बी एस टू सी कितना है एट इज टू नाइन तो अब देखो b जो है वो दोनों ही केस में एट बन रहा है तो मैं क्या ये नहीं कह सकता दैट ए इज टू बी इज टू सी जो है वो है सिक्स इज टू एट इज टू नाइन करेक्ट तो सिक्स इज टू एट इज टू नाइन जो है, वो आपका है। ये तरीका था आपको कैसे रेशियोस को जो है वो एक तरीके से जो हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर ये बहुत ही ज्यादा आपको लेंदी पड़ने लग जाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिए रहेंगे रेशियो ए इज टू बी बीज टू सी सी इज टू डी एंड डी टू ए तो एक बार पहले आप बी को इक्वल करोगे फिर आप सी को इक्वल करोगे फिर आप डी को इक्वल करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस पड़ जाता है तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं जो कि आप यूज कर सकते हो इन टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए आप सिंपली ए इज टू बी इज टू सी मैंशन करो यहां पर ए इज टू बी है थ्री इज टू फोर तो यहां पर आप मैंशन कर दो C, है तो यहां पर अगेन एट इज टू नाइन जो है वो आप मेंशन कर दो एंड जो जो स्पेस खाली है ना वहां पर उसके आप जो बगल में नंबर है वो आप मेंशन करो जैसे यहां पर स्पेस खाली है बिल्कुल बगल में कौन सा नंबर है 4, तो यहाँ पर आप फोर लिख दो इसके बगल में कौन सा नंबर है एट है तो यहाँ पर आप एट लिख दो एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो नाइन फोर आ थर्टी सिक्स थर्टी टू एंड ट्वेंटी फोर ठीक है आप जब इसको फोर से सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सिक्स एट एंड नाइन अगेन आपका वही रेशियो आ गया जो कि हम लोगों ने नॉर्मल मेथड से जो है वो यूज किया था नॉर्मल मेथड को हेल्प मतलब कि यूज से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था ठीक है अब ये वाला जो मैंने मेथड यूज किया है आप देखो इस वाले क्वेश्चन में कितने इजिली आप इसको कर सकते हो एंड जो हमने नॉर्मल मैथड देखा था उससे आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा आप खुद ही समझ जाओगे ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी ठीक है ए इज टू बी मुझे टू इज टू थ्री दिया हुआ है बी इज टू सी मुझे वन इज टू टू दिया हुआ है सी इस टू डी फाइव इस टू टू दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया था जो जो ब्लैंक स्पेसेस हैं यहाँ पर सी एंड की जगह खाली है की जगह खाली है यहां पर ए और बी की जगह खाली है जो जो ब्लैंक स्पेस आपको दिखे उसके बगल वाले नंबर से आप इसको फिल कर दोगे तो इसके जस्ट बगल में थ्री है तो आप दोनों तरफ जो है वो थ्री से इसको फिल कर दोगे इसके बगल में वन है तो आप यहाँ पे वन डालो इसके बगल में टू है तो यहां पर टू डालो दिस इज फाइव दिस इज फाइव अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है तो थ्री टूज आर सिक्स टूज आर ट्वेल्व ठीक है थ्री टूज आर सिक्स फाइव सिक्स आर थर्टी यहां पर फाइव थ्रीज़ आर फिफ्टीन एंड फाइव टूज़ आर टेन तो टेन फिफ्टीन थर्टी ट्वेल्व ये आपका जो है वो करेक्ट रेशियो हो गया टेन फिफ्टी थर्टी ट्वेल्व ये और ज्यादा सिंप्लीफाई किसी भी नंबर से नहीं हो रहा है बिकॉज ये अगर 5 के टेबल में हम लोग देखते हैं तो ये ट्वेल्व कहीं ना कहीं जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता तो, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो टेन फिफ्टीन थर्टी ट्वेल्व जो है वहीं बन करके आ रहा है तो आपने देखा दैट इसको मैं अगर नॉर्मल मेथड से सब बी वालों को पहले इक्वल करूं फिर सी वाले को करूं फिर डी वाले को तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है ये ठीक है चलो अगले हम लोग कॉन्सेप्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अब देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है यहां पर एलजेब्रा एंड रेशियो इन दोनों को जो है वो मर्ज कर दिया गया एंड ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आप इसको जरूर से एक बार ट्राई करो बेसिक ही है और कुछ भी नहीं है यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो यहां पर आप देखो ये वन रेशियो है ये टू रेशियो है ये थ्री रेशियो है एंड वन प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री होता है करेक्ट वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री है मतलब पहले दो रेशियो का सम जो है वो तीसरे रेशियो के इक्वल आ रहा है तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता दैट एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस के करेक्ट तो मैं इस तरीके से अगर इसको मेंशन करता हूं दैट एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस के बिकॉज यहां यहां से मुझे रेशियो से ये चीज पता चली दैट फर्स्ट रेशियो प्लस सेकेंड रेशियो इज इक्वल टू थर्ड रेशियो तो अब जब ये तीनों चीजें इक्वल है तो अगर मैं यहां पर देखूं तो वाई वाई जो है वो कैंसिल हो रहा है एंड एक्स प्लस के इज इक्वल टू यहां पर जेड हो रहा है ठीक है जेड प्लस जेड यानी कि टू जेड ओके एंड आप फाइनल रिजल्ट देखो मुझे क्या चाहिए z डिवाइडेड बाय एक्स प्लस के चाहिए तो z डिवाइडेड बाय एक्स प्लस के मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाय टू बिकॉज यहां पर जो है मैंने इसको एल एच एस में सेंड कर दिया इसको आर एच एस में सेंड कर दिया तो यहां पर वन बाय टू यानी कि मेरा जो आंसर आ जाएगा वो वन इज टू टू आ जाएगा ठीक है तो ये एलजीबरा है बस आपको जो है वो एक तरीके से लॉजिकली सोचना है दैट क्या चीज गिवन है क्या चीज पूछी गई है बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चंस बस आपको देखने में हो सकता है डिफिकल्ट लगे बट एक्चुअल में जब आप इसका सोल्यूशन देखते हो तो काफी ज्यादा इजिली आप इन टाइप के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहां पर आपके कॉन्सेप्ट का जो है वो एक तरीके से टेस्ट होने वाला है ए इज बी इज इक्वल्स टू टूज टू थ्री फाइंड ए प्लस बी स्क्र डिवाइड बाई बी स्क्वायर अब मैंने बहुत जगह पर देखा है दैट स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करते हैं ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर तो नाइन प्लस टू इलेवन बाय नाइन बहुत से स्टूडेंट्स इसका इलेवन इस है वो आंसर लगा करके आगे बढ़ जाते हैं बट आप मुझे ये बताओ यहां पर इसका जो एक तरीके से डिग्री है वो सेम नहीं है मतलब अगर मैं ऐसा ज्यूम कर लेता हूं दैट ए जो है ना वो टू एक्स है एंड बी जो है वो थ्री एक्स है तो ऐसे केस में आप ए प्लस बी स्क्वायर क्या लिखोगे ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर अब आप देखो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो एक जगह पर एक्स है एक जगह पर एक्स स्क्वायर है तो आप इसको कैसे पहले केस में जो है वो ऐड करके डायरेक्टली लिख रहे थे यहां पर डिग्री डिफरेंट होने की वजह से इसका आंसर जो है वो कांट भी डिटरमाइंड होगा ठीक है बिकॉज यहां पर डिग्री एक तरीके से जो है वो डिग्री वन एंड डिग्री टू की वजह से यहाँ पर जो है वो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे करेक्ट तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अगर ये सारे के सारे का डिग्री सेम होता ना तब मैं इसको इजिली कैलकुलेट करके लास्ट में जाके जो है वो कैंसिल हो जाता है मेरे पास एक प्रॉपर रेशियो आ जाता है बट डिग्री डिफरेंट होने की वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम आएगी ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब ये पर्टिकुलर हमारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने काफी डिफरेंट वराइटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए अब ये हमारा डिवाइडिंग एज पर द रेशियो वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं मतलब आपको कुछ पार्ट दिया रहेगा उसको आपको कुछ पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड करना रहता है अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउ ए बी सी डी इन प्रपोर्शन फाइव इज टू टू इज टू फोर इज टू थ्री इफ सी गेट्स थाउजेंड मोर देन डी वॉट इज बीज शेयर तो आप सिंपल सा यहां पर मैं टू बी इज टू सी इज टू डी कितना कितना मुझे दिया हुआ है ऑप्शन में फाइव इज टू टू इज टू फोर इज टू थ्री अब मुझे बोला गया सी को थाउजेंड रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं डी से सी को थाउजेंड रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं डी से बट मेरे अकॉर्डिंग सी को कितना ज्यादा मिल रहा है वन यूनिट ज्यादा मिल रहा है बिकॉज अगर डी uh, को थ्री मिल रहा है तो सी को फोर मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थाउजेंड ज्यादा मिल रहा है मतलब वन यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई वन यूनिट की वैल्यू थाउजेंड है बी का शेयर पूछा है तो ऑब्वियसली बी का शेयर टू यूनिट है तो टू यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था टू थाउजेंड तो आंसर मेरा इज टू थाउजेंड ठीक है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं ए बी सी इज इन रेशियो थ्री टू फाइव हाउ मच मनी विल सी गट आउट ऑफ रूपीज ट्वेल्व सिक्सटी अब बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, अगर ट्वेल्व सिक्सटी मुझे डिवाइड करना है इन रेशियो थ्री इज टू टू इज टू फाइव तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ फॉर डोज हु डोंट नो जो 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 रेशियो प्रपोर्शन को एक दो बार पढ़ चुके हैं उनको तो ये तरीका पता ही होगा किस तरीके से हम लोगों को अमाउंट को डिवाइड करना रहता है तो बेसिकली सी को कितना मिलेगा मुझे सी को देना कितना है फाइव यूनिट्स देना है तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता था ट्वेल्व सिक्सटी जो है ना वो टोटल कितने रेशियो में बटना बटने वाला है फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस 3, 10. टोटल टेन रेशियो में हम लोग इसको जो है वो डिवाइड करने वाला है है जिसमें से C को मिलना है कितना C को मिलना है 5. तो इस तरीके से हम लोग इसको जनरली सॉल्व करते हैं तो जीरो, जीरो कैंसिल, 126 into 5, जब आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ठीक है इस तरीके से आपको डिवाइड करने वो आपको जो है आई होप आपको पता होगी पहले से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ओके okay, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने जो एस टू बीस टू सी टू डी वाला ऑप्शन देखा था कॉन्सेप्ट देखा था उसका आप यूज जो है वो कर सकते हो अतुल डिस्ट्रीब्यूटेड अ सम ऑफ़ 4500 सन डॉटर वाइफ एंड ट्रस्ट तो मैं इसको एस डी डब्ल्यू एंड एफ से जो है वो डिनोट कर देता हूं सच डेट सन एंड डॉटर को जो है वो टू इज टू थ्री मिल रहा है डॉटर एंड वाइफ को वन इज टू टू मिल रहा है वाइफ थ्री टू मिल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में पहले आपको एस टू बीस टू डी फाइंड आउट करना ही पड़ेगा अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे ठीक है तो अगेन जो जो खाली जगह है वहां पर आप इसको जो है वो बिल्कुल बगल वाले नंबर से फिल करोगे ठीक है एंड आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई करोगे थ्री टू आर सिक्स नाइन एटीन एंड ट्वेल्व ठीक है आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी थ्री थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो टू इज टू थ्री इज टू सिक्स इज टू फोर ठीक है तो ये आपका जो है वो एक तरीके से रेशियो हो गया ओके अब इसके बाद मुझे इन सबको जो है वो फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज है वो डिवाइड करना है तो फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज डिवाइड करना है टोटल रेशियो कितना है डिवाइड करने के लिए सिक्स प्लस फोर इज टेन एंड थ्री प्लस टू इज फाइव टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन ओके एंड इससे मुझे पर यूनिट का अमाउंट पता चल जाएगा find the amount given to wife. Wife को कितना अमाउंट दिया दिया हुआ है भाई? Six units दिया हुआ है है। है भाई ठीक तो 15 threes 45 and wife का आगे आपका एटीन हंड्रेड ए सिंपल इज दैट ठीक है तो आपको बेसिकली एज टू बीज टू सीज टू डी यहां पर फाइंड आउट करना था ठीक है आई होप आपको यहां तक की चीजें जो है वो समझ में आई होंगी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं ओके okay. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है बिकॉज ये टाइप थ्री क्वेश्चन है जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए बन जाता है बिकॉज आपको यहां पर जो है वो क्वेश्चन को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी किया जा सकता है कई बार तो मैंने कोशिश किया जितने जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग कवर कर लें द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज थ्री इज टू फाइव मतलब एक्स एंड वाई का इनकम का रेशियो क्या है थ्री इज टू फाइव है ओके okay. एक्सपेंडिचर का रेशियो वन इज टू टू है एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है वन इज टू टू ठीक है तो सेविंग्स का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है तो सेविंग्स का रेशियो आप जब फाइंड आउट करेग तो आपको पता है इनकम इज इक्वल टू ओके सेविंग्स इज इज आई माइनस ई इक्वल टू एस होता है बेसिकली आई माइनस ई इज इक्वल टू एस मतलब आप कितना पैसा अर्न करते हो उसमें से आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आप खर्च करते हो तो आपको सेविंग्स मिल जाती हैं तो यहां पर जब आप सेविंग्स फाइंड आउट करोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर तो थ्री माइनस वन हो जाएगा टू फाइव माइनस टू हो जाएगा बट ये गलत है क्यों गलत है बिकॉज इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखनी है मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स टू इज टू थ्री मार्क करके आगे चले जाते हैं उनको समझ नहीं आता है दैट ये अप्रोच गलत है क्यों गलत है आप ध्यान से देखो ना भाई ये एक अलग रेशियो है ये एक अलग रेशियो है मतलब अगर मैं किसी तरीके से इसको इनकम को थ्री एक्स एंड फाइव एक्स रखता हूं तो एक्सपेंडिचर को मुझे दूसरे रेशियो के टर्म्स में रखना पड़ेगा करेक्ट ये वाई के टर्म्स में आएगा तो ये वन वाई एंड टू वाई है अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो आप कैसे थ्री एक्स माइनस वन वाई कर सकते हो ये तो होगा ही नहीं दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं पर ये तो हो ही नहीं सकता है तो राइट आंसर इज कांट बी डिटरमाइंड अनलेस हम लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन कोई गिवन हो तब तक हम लोग जो है वो इन दोनों को डायरेक्टली ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं करेक्ट आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ये दोनों डिफरेंट यूनिट के कंपेरिजन हो रहे हैं तो यहां पर आपको एक जगह पे एक्स रखना है एक जगह पे वाई रखना है डायरेक्टली आप माइनस नहीं कर सकते हो ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं देखते हैं दैट किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो दैट हम कौन को सॉल्व कर पाए अब ये सेम क्वेश्चन है लगभग सेम क्वेश्चन है यहां पर आप देखो एक्स एंड वाई को जो इनकम मिल रही है वो मिल रही है थ्री इज टू फाइव करेक्ट यानी कि थ्री एक्स फाइव एक्स, आप कोई भी चीज अज्यूम कर सकते हो ठीक है एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे दिया गया है वन तो अब आगे मुझे सेविंग्स यहां पर दी गई है मतलब ये कांड भी डिटरमाइंड नहीं होगा अब दोनों ने सेविंग कितना किया है भाई यहां पर ये एक क्वेश्चन है जिसमें सेविंग सेम है मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे सेविंग डिफरेंट भी होगी तब भी आप इसको जो है वो सॉल्व कर दोगे है से दोनों की फाइव थाउजेंड रुपीज फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड जो कि वन इंस टू वन की सेविंग है बट यहां पर हम लोगों को रेशियो के टर्म्स में नहीं रखना है हम लोगों को इसको जो है वो लॉजिकल सॉल्व करना है अब आप देखो यहां से आपके पास दो तरीके बन जाते हैं एक तो आपके पास ये बनता है दैट थ्री एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड ओके एंड फाइव एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का जहां पर आपके पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल है आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो बट ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आप इससे बचो आप इसको अवॉइड करो आप जो है अगर आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग लिखते हो तो आप मुझे यह बताओ ना आप ये भी तो लिख सकते हो ना दैट इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ठीक है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता क्या थ्री एक्स माइनस फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव एक्स माइनस फाइव थाउजेंड इज इक्वल टू वन इज टू टू इस तरीके से लिखने से मेरे पास फायदा क्या हुआ एक वेरिएबल मैंने डायरेक्ट रिमूव कर दिया वाई वाला वेरिएबल की मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी आप यहां पर देख लो वन वाई टू वाई लिखा है वाई से वाई कैंसिल हो गया मुझे वाई की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में लेकर के आने की तो ईजली मैंने दो वेरिएबल से चीजों को वन वेरिएबल में जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया तो यहां से मेरे लिए चीजें जो है वो ज्यादा ईजी पड़ जाएंगी ठीक है अब यहां पर आप जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो ध्यान से तो आपके पास क्या सोल्यूशन uh, बन जाएगा डायरेक्टली आप इसको जो है वो सिक्स एक्स x ठीक है 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 अब इसको आप x is equals to 5, कर सकते हो and monthly income of x पूछा हुआ है, तो 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 मैंने 3x मान करके रखा था तो 5 threes are 15, तो 15, जो है, वो मेरा एक तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा या फिर आप इसको वे राउंड भी जो है वो लेकर के जा सकते थे जैसे इनकम इज इक्वल टू इनकम क्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर भी जो है वो आप इसको कर सकते थे तो यहां से आपका इनकम जो है वो आ जाता थ्री बाई फाइव इज प्लस एक्सपेंडिचर यानी कि इसको वाई के टर्म्स में रख लो आप या तो एंड नीचे आ जाता आपका फाइव थाउजेंड प्लस टू वाई ठीक है दोनों ही केस में जो है आपका आंसर है वो सेम आने वाला है ठीक है आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी तो इस तरीके से आपको इन टाइप के क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच करना है देन यूजिंग दिस जहां पर आपका ज्यादा टाइम लगेगा पहले आप एक्स फाइंड आउट करो फिर उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके वाई फाइंड आउट करो आप डायरेक्टली इस अप्रोच से जा सकते हो जहां पर मैंने एक वेरिएबल डायरेक्ट रिमूव कर दिया ठीक है चलो इसी क्वेश्चन का एक एडवांस्ड वर्जन जो है वो ये वाला बन जाता है जहां पर आपको कुछ पार्ट बताया जाता है या तो पर्सेंटेज के टर्म्स में जो है वो क्वेश्चन को बताया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज इन द रेशियो फोर इज टू फाइव इज टू सिक्स तो ए बी एंड सी के इनकम का रेशियो क्या है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है टू इज टू थ्री इज टू फोर ये मेरे एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया अब मुझे आगे बोला गया है इफ बी ज सेविंग वन थर्ड ऑफ इट्स इनकम बी जो है ना वो अपने इनकम का वन थर्ड जो है वो सेव करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बी की बात कर लू तो अगर बी की इनकम थ्री है ना तो बी की एक्सपेंडिचर जो है वो टू होगी तब तो जाकर के बी की सेविंग वन थर्ड बन रही है करेक्ट थ्री माइनस टू इज वन तो कहीं ना कहीं मुझे बी की इनकम थ्री चाहिए एक्सपेंडिचर टू चाहिए बट बी की इनकम तो मुझे फाइव दी हुई है अगेन यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो क्वेश्चन में मुझे डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरी चीजें जो है वो अलाइंड नहीं है एक जगह पर मैं कह रहा हूं भाई बी की इनकम थ्री है एक जगह पर मैं कह रहा हूं भाई बी की इनकम फाइव है तो मुझे ऐसे केसेस में जो है वो बी की इनकम हर जगह पर सेम कर दूं तो मेरी चीजें जो है वो ज्यादा सिंपल हो जाएंगी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर फाइव जो है ना इस थ्री एंड टू को ध्यान से देखो अब इस फाइव को थ्री बनाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज इसको थ्री करूंगा ना तो चीजें ज्यादा कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में घुसने लगेंगी तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं क्या इसको 15 नहीं बना सकता जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने 5 से इंक्लूड मल्टीप्लाई कर दिया तीनों ही जगह पर तभी भी तो मेरा भाई बी जो है वो वन थर्ड सेव करेगा मतलब अगर बी 15 अर्न करता है 10 खर्च करता है तो 5 सेव करता है अभी भी जो बी है वो कितना सेव कर रहा है वन थर्ड सेव कर रहा है तो मैं क्यों ना बी को जो है वो फिफ्टीन क्रिएट कर दू तो फिफ्टीन बनाने के लिए जो है वो मुझे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहां पर देखो मैंने फ्रैक्शन को अवॉइड कर दिया आप इसको डायरेक्टली थ्री भी बना सकते थे आपको सिंपली थ्री बाय फाइव से मल्टीप्लाई करना था बट चीजें कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में घुस जाती ठीक है।, है अब चलो इसका तो चलो मैंने काम कर लिया यहाँ पर फिफ्टीन हो जाएगा बट अब जो मेरा बी है ना बी की एक्सपेंडिचर है उसको भी मुझे जो है वो एक तरीके से क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज एक्सपेंडिचर जो है मुझे टेन चाहिए तो थ्री को टेन बनाने के लिए आप इसको क्या करोगे भाई आप इसको टेन बाय थ्री से मल्टीप्लाई करोगे सिमिलरली फोर को भी जो है वो आप टेन बाय थ्री से मल्टीप्लाई करोगे टू को भी जो है वो आप टेन बाय थ्री से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर मैं फ्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर पाया ठीक है एक जगह पर मैंने ऊपर कर दिया है नीचे नहीं कर पाया बट चलो ठीक है आधी जगह से मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया अब मेरे क्वेश्चन रिलेटिवली ज्यादा सिंपल है तो अब जो ए बी सी के न्यू इनकम का रेशियो आ गया वो कितना आ गया ट्वेल्व इज टू फिफ्टीन इज टू एटीन एंड एक्सपेंडिचर कितना आ गया भाई? एक्सपेंडिचर आपका आ गया है ट्वेंटी बाय थ्री इज टू टेन इज टू फोर्टी बाय थ्री ओके अब आप यहां पर देखोगे ध्यान से तो जो बी का सेविंग्स है ना वो फाइव है यानी कि बी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन थर्ड सेव कर रहा है ये क्राइटेरिया मेरा सेटिस्फाइड है करेक्ट तो यहां से मैं कह सकता हूं दैट ओके okay, यहां पर मेरी चीजें जो है वो सेटिस्फाइड है मतलब अब मैं इनकम और एक्सपेंडिचर को जो है वो डायरेक्टली जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं बिकॉज अब इनका जो एक्स और वाई वाला वेरिएबल था ना उनको मैं एक तरीके से सेम प्लेन पर लेकर के आ गया हूं एक तरीके से वेरिएबल को मैंने सेम कर लिया है तभी तो डायरेक्टली बी जो है वो 15 माइनस टेन इक्वल टू फाइव करने से मेरा क्वेश्चन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है मतलब अब जो एक्स है वो वाई है वो दोनों की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है ठीक है तो मैं सिंपली 12 माइनस ट्वेंटी बाय थ्री करूंगा तो यहां से मेरा कितना आ जाएगा यहां से आ जाएगा मेरा सिक्सटीन बाई एंड यहां पर सी की टर्म्स में कितना आ जाएगा फोर्टीन बाई थ्री ठीक है okay, 13, 14 by 3. तो अब ये चीज जो है वो मेरी सेविंग्स का जो है वो रेशियो आ चुका है अब मैंने आपको क्या बताया था सेविंग्स रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में नहीं रहता है तो इसको मैं रिमूव करने के लिए थ्री से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रेशियो आ जाएगा सिक्सटीन इज टू फिफ्टीन इज टू फोर्टीन तो मेरा ए ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा ठीक है बहुत ही ज्यादा इजी था बस आपको पता करना है दैट बी जो है वो क्यों दो दो जगह पर डिफरेंट आ रहा है उसको आप सेम करोगे जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एंड सिंपली आप उसको सॉल्व कर दोगे चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अब ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको परसेंटेज के टर्म्स में जो है वो चीजें दी गई रहती है थ्री परसेंट ए बी सी स्पेंड एटी परसेंट एटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ देयर सैलरीज तो चलो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ए बी सी ये लोग जो है वो स्पेंड करते हैं इतना मतलब इनकी इनकम अगर मैं हंड्रेड मान लेता हूं ए की इनकम तो स्पेंड कितना करता है ए एटी करता है मतलब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ए अगर फाइव अर्न करता है तो एक्सपेंडिचर उसका कितना है फोर है ठीक है बी के केस में अगर मैं देखूं तो एटी फाइव परसेंट मतलब अगर बी हंड्रेड अर्न करता है तो एटी फाइव वो खर्च करता है तो इसको शॉर्ट में मैं क्या लिख सकता हूं ट्वेंटी सेवेंटीन लिख सकता हूं करेक्ट एंड सिमिलरली सी जो है वो हंड्रेड अर्न करके सेवेंटी फाइव खर्च करता है तो इसको मैं फोर इज टू थ्री लिख सकता हूं करेक्ट अब सेविंग्स की मैं बात करूं तो इज एंड अब क्योंकि ये रेशियो जो है ना वो ऊपर से नीचे है तो यहां पर भी आपको एक्स एंड वाई का कॉन्सेप्ट में आप कंफ्यूज मत होना बिकॉज ये आपका फाइव एक्स एंड फोर एक्स है ठीक है तो और ये आपका ट्वेंटी वाई सेवेंटीन वाई है इस तरीके से चीजें जो है वो चल रही है ठीक है ओके आगे चलते हैं हम लोग अब इसमें मुझे पूछा गया है सम ऑफ देयर सैलरीज इज सेवेंटी टू थाउजेंड तो इनके सैलरीज का जो सम है ना वो सेवेंटी टू थाउजेंड है बट क्वेश्चन में मुझे आगे क्या बोला गया है इनके सेविंग्स का रेशियो जो है वो एट इज टू नाइन इज टू ट्वेंटी है मतलब जो मेरा सेविंग्स है ना वो एट और नाइन एंड ट्वेंटी के फॉर्म में होना चाहिए तो यहाँ पर तो वन इज टू थ्री इज टू वन है तो ऑब्वियसली चीज़ें मुझे इसको एट नाइन और ट्वेंटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो मैंने इसको एट से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी तरफ ऊपर तो दिस इज एट ये एट हो जाएगा एट फोर आर थर्टी टू एंड फाइव एट्स आर फोर्टी सिमिलरली यहाँ पर कितना होना चाहिए यहाँ पर नाइन होना चाहिए तो इसको मैंने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया सो so दैट ये नाइन बन जाए तो सेवेंटीन इंटू थ्री कितना हो जाता है भाई सेवेंटीन इंटू थ्री फिफ्टी वन हो जाता है एंड ट्वेंटी इंटू थ्री इज सिक्सटी एंड यहां पर सी में कितना हो जाएगा यहाँ पर मुझे 20 चाहिए तो मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 20 इंटू थ्री इज 20 इंटू फोर इज 80। अब जो मैंने आपको बताया था ये X है, ये है, है, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा क्यों क्योंकि जो क्वेश्चन में क्राइटेरिया है ना वो हम लोगों ने एक्जैक्टली exactly जो है वो फुलफिल कर लिया है, 40 8 है. मतलब अब आगे मुझे बोला गया है, सम ऑफ देयर सैलरी इज सेवेंटी टू थाउजेंड तो सेवेंटी टू थाउजेंड इनके सैलरीज का सम है बट मेरे अकॉर्डिंग सैलरी का सम कितना है सिक्सटी प्लस फोर्टी इज हंड्रेड प्लस एटी वन एटी फाइंड द सैलरी ऑफ ए की सैलरी कितनी है फोर्टी यूनिट्स है तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्सटीन थाउजेंड

काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बिकॉज यहां पर भी जो हम लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट समझे हैं उन सबका जो है वो यूज आने वाला है द रेशियो ऑफ ए एंड बी इनकम लास्ट ईयर वॉज थ्री इज फोर अब देखो ये आप समझो ए एंड बी का लास्ट ईयर का जो रेशियो है लास्ट ईयर के इनकम का वो है थ्री इज टू फोर ठीक है बट उनका इंडिविजुअल इनकम अगर हम लोग देखें ना तो लास्ट ईयर और इस ईयर का वो ए का कितना आ रहा है भाई ए का आ रहा है लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर का रेशियो ए का कितना है भाई ए का है फोर इज टू फाइव एंड बी का कितना है बी का है टू इज टू थ्री ओके तो ये मुझे क्वेश्चन में जो है वो गिवन है अब यहां पर आप ध्यान से देखो एक जगह पर मैं कह रहा हूं दैट ए की लास्ट ईयर की इनकम थ्री है एक जगह पे मैं कह रहा हूं दैट ए की लास्ट ईयर की इनकम फोर है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है मतलब ये कि मुझे जो है या तो इसको फोर बना लूं या तो इसको थ्री बना लूं ऑब्वियसली यहां पर इसको थ्री बनाने में फायदा होगा बिकॉज इससे मेरे को प्रेजेंट ईयर की इनकम भी जो है वो चेंज होती हुई पता चल जाएगी ठीक है तो मैं ए की प्रेजेंट इनकम थ्री बनाने की कोशिश करूंगा थ्री कैसे बना सकता हूं मैं फोर को भाई फोर को मुझे थ्री बनाना है तो मैं इसको थ्री बाय फोर से मल्टीप्लाई करूंगा जो बनाना है उसको रखो जो हटाना है उसे डिवाइड कर दो एज सिंपल एज दैट तो अब आपका न्यू लास्ट ईयर टू द प्रेजेंट ईयर रेशियो क्या बन जाएगा ए का ए का बन जाएगा यहां पर आपका आ जाएगा फोर ओके सॉरी थ्री इज टू फाइव से भी मुझे जो है वो थ्री बाय फोर मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टीन बाई फोर सिमिलरली बी की आप देखो बी जो है वो पहले उसका लास्ट ईयर का इनकम जो है वो फोर यूनिट्स था बट एक जगह पे मैं कह रहा हूं दैट लास्ट ईयर इनकम तो टू यूनिट्स है तो ऑब्वियसली मुझे इस टू को जो है वो फोर बनाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा इस पूरे रेशियो में मुझे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा फोर इज टू सिक्स करेक्ट अब आप देखो लास्ट ईयर ए का इनकम थ्री था मेरे यहाँ पे भी थ्री है करेक्ट बी का लास्ट ईयर इनकम फोर था करेक्ट यहां पर भी फोर है मतलब अब क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने एक तरीके से इस पर्टिकुलर टेबल में जो है वो सॉर्ट कर लिया है एंड अब मेरे पास चीजें जो है वो एक लेवल पर आ गई है जहां से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई कर सकता हूं आगे मुझे क्या बोला गया इफ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम इज फोर वन सिक्स जीरो प्रेजेंट ईयर क्या है भाई फिफ्टीन बाय फोर प्लस सिक्स मतलब मुझे बोला गया है दैट यूनिट्स यूनिट्स प्लस आप इसको एक्स रख लो या यूनिट्स में मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है इज इक्वल टू फोर वन सिक्स जीरो ठीक है तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फोर प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू फोर वन सिक्स जीरो ठीक है तो यहां से आपका वन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई वन यूनिट की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो फोर वन सिक्स जीरो मल्टीप्लाइड बाई फोर डिवाइडेड बाई थर्टी नाइन एंड यहां पर मुझे चाहिए क्या ए का प्रेजेंट इनकम चाहिए प्रेजेंट ईयर का इनकम ए का प्रेजेंट ईयर इनकम 15 बाय फोर है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 15 बाय से तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो फोर से फोर जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड फोर वन सिक्स जीरो मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थर्टी नाइन विल कम आउट टू बी सिक्सटीन हंड्रेड तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आए होंगे जहां पर पास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर के एक तरीके से रेशियो का जो है वो आ, अलग अलग रेशियो में जो है वो दिया रहता है चीजें गिवन रहती हैं ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं ये हमारा टाइप फोर के क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें आपने देखा होगा किसी एक बैग में कुछ एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ कॉइन दिया हुआ है तो इसमें बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक जगह पर आपको कॉइन्स के वैल्यू का जो है वो रेशियो गिवन होगा एक जगह पर आपको जो है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया होगा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया होगा मैंने इन दोनों ही क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल जो है वो इंक्लूड किया है सो so दैट हम लोग दोनों में एक तरीके से समझ जाए इफ थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी पैसे एंड पैसे तो मैं यहां पर कर मैं वन रुपीज फिफ्टी पैसे एंड ट्वेंटी फाइव पैसे वैल्यूज आर इन रेशियो अब देखो यहां पर वैल्यूज का रेशियो दिया गया है तो वैल्यूज का रेशियो कितना दिया गया है थर्टीन इज टू लेवन ज टू सेवन ठीक है ये इनके वैल्यू का रेशियो है मतलब एक रुपए के जितने सिक्के होंगे उन सब का वैल्यू जो है वो थर्टीन यूनिट्स आ रही है इस तरीके से देन द नंबर ऑफ फिफ्टी पैसा विल बी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है आप यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो एक रुपए के कितने सिक्के होंगे सो so देहां पर थर्टीन का मल्टीपल हो जाएसली एक रुपए के तेरह सिक्के चाहिए तभी यहां पर थर्टीन आएगा

देर आर टोटल थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी एट कॉइंट बट मेरे ऑब्वियसली तो इनको मैं इक्वेट कर दूंगा यानी किस इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी एट जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से थर्टीन प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी एट विल बीवल टू सिक्स एंड यह आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू सिक्स तो यहां पर एक्स की वैल्यू सिक्स आ गई अब मुझे पूछा क्या गया ट्वेंटी the तो तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो वैल्यू ऑफ कॉइन वाला जो है वो बेसिकली समझ में आया होगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर हम लोगों को नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया हुआ है ठीक है इन अ बैग देर आर कॉइंस ऑफ ट्वेंटी फाइव पैसे टेन पैसे एंड फाइव पैसे दे आर इन रेशियो वन इज टू टू इज टू थ्री ठीक है अब इनकी वैल्यू कितनी होगी भाई पच्चीस पैसे का अगर वन कॉइन है तो obviously 25 पैसा इसका वैल्यू हो जाएगा यहां पर ट्वेंटी करेक्ट ओके अब ये पैसे में है एंड ये एक्स के टर्म्स में है आई होप आप इन चीजों को जो है वो समझ रहे होंगे ओके okay? आगे मुझे बोला गया देर आर थर्टी रुपीज इन ऑल बट मेरे अकॉर्डिंग कितने रुपए हैं भाई ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टीन इज फोर्टी

ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ओके ये हमारा मल्टीपल रेशियो के क्वेश्चन बन जाते हैं मतलब यहां पर एक ही तरीके मतलब एक ही चीजों के दो अलग अलग तरीके से जो है वो हम लोगों को रेशियो गिवेन होते हैं जिसको हम लोगों को सॉल्व करना रहता है जैसे फॉर एग्जांपल, द रेट ऑफ मेन एंड वीमेन वर्किंग इन अ फैक्ट्री इज थ्री इज टू वन मतलब आप ऐसा समझ लो नंबर ऑफ मेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विमेन ये आपको गिवन है थ्री इज टू वन फर्दर मुझे बोला गया देयर पर्सनल डेली वेजेस आर इन रेशियो फोर इज टू फाइव मतलब डेली वेज ऑफ मेन डिवाइडेड बाय डेली वेज ऑफ विमेन इज इक्वल्स टू फोर इज टू फाइव ठीक है तो मुझे बोला गया है दैट इफ देयर आर फिफ्टीन मेन टोटल इन द वर्क एंड टोटल डेली वेज ऑफ मैन एंड इज फाइव हंड्रेड एंड टेन फाइंड वेज ऑफ वन विमेन आप यहां पर एक चीज बताओ टोटल मैन मुझे कितना दिया गया टोटल मैन मुझे दिया गया है कितना बट मेरे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मैन थ्री थ्री एक्स है तो थ्री एक्स अगर फिफ्टीन है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई एक्स की वैल्यू फाइव आ गई मतलब टोटल मैन अगर फिफ्टीन है तो टोटल वीमेन कितनी है भाई टोटल वीमेन है आपकी वन वन यूनिट था यानी वन एक्स था यानी टोटल वीमेन मेरी पांच है करेक्ट यहां से मैंने ये चीज जो है वो फाइंड आउट कर ली अब इसके बाद मुझे क्या बोला गया है इसके बाद मुझे बोला गया है दैट टोटल वेजेस का आप समझो अब ये जो वेजेस है ना ये वाई के टर्म्स में आप इसको रखो फोर वाई फाइव वाई अब नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाइड बाय उन मेन का डेली वेजेस क्या है वो आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेजेस आएंगे मतलब टोटल आदमी कितने थे भाई 15 थे तो फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय हर एक मैन को एक दिन में कितने अमाउंट मिलते हैं भाई फोर मिलते हैं प्लस टोटल विमेन कितनी है टोटल विमेन है फाइव हर एक विमेन को एक दिन में कितने अमाउंट मिलता है एंड इन सब का जो सम है मुझे क्वेश्चन में 510 किया गया है करेक्ट तो यहां पर आप इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे फिफ्टीन फोर आर सिक्सटी ट्वेंटी फाइव वाई इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड एंड टेन ठीक है तो यहां से आ जाएगा एटी फाइव वाई इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड एंड टेन एंड यहाँ से आपका वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा ठीक है आई होप आपको यहां तक जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फाइंड द डेली वेज ऑफ वन विमेन डेली वेज ऑफ वन विमेन कितना था भाई फोर इज टू फाइव था ना तो फाइव वाई था तो डेली वेज ऑफ वन विमेन जो था वो आपका था फाइव वाई यानी कि फाइव इंटू सिक्स यानी कि थर्टी ठीक है तो ये आपका जो थर्टी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट वा समझ में आया होगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द रेशियो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मैन एंड वुमेन इन फैक्ट्री इज फोर इज टू थ्री मतलब टोटल सैलरी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी ऑफ वुमेन इज इक्वल्स टू फोर बाय थ्री रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ अ मैन एंड वीमेन इज फाइव टू थ्री यानी कि सैलरी ऑफ वन मैन कह लो डिवाइडेड बाय सैलरी ऑफ वन विमेन इज इक्वल्स टू मुझे बोला गया कितना फाइव इज टू थ्री देन द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन इन फैक्ट्री इज अब बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है वन मैन मल्टीप्लाइड बाय टोटल सैलरी टोटल उनको कितना मैन uh, का वो uh, कितने मैन को टोटल सैलरी कितनी मिल रही है ठीक है ये आपका टोटल सैलरी के इक्वल हो जाएगा करेक्ट ओके टोटल मैन आपका कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वन मैन की सैलरी लिख लो बेसिकली यहां पर वन मैन सैलरी वन मैन की सैलरी इनटू टू टोटल मैन इज इक्वल टू टोटल सैलरी हो जाएगा आपका करेक्ट एक आदमी को कितना अमाउंट मिलता है प्लस आदमी कितने हैं टोटल सैलरी हो जाएगा तो यहां से आप देखो तो टोटल मैन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय वन मैन सैलरी करेक्ट यहां तक आई होप आप समझ चुके होंगे अब ऑब्वियस सी चीज है टोटल सैलरी कितनी है भाई टोटल सैलरी ऑफ मैन है 4x आप इसको x एंड इसको y यूनिट्स में रखो तब आप ज्यादा सिंपली समझ पाओगे टोटल सैलरी कितनी है भाई मैन की टोटल सैलरी है 4x ठीक है वन मैन सैलरी कितनी है वन मैन की सैलरी है 5y तो 4x 5y ठीक है इस तरीके से मल्टीप्लाईड बाय 3 थ्री एक्स ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया बिकॉज मुझे रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इन फैक्ट्री जो है वो इस तरीके से गिवन है तो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका कितना आ जाएगा ट्वेल्व बाय फिफ्टीन यानी कि फोर बाय फाइव तो आपका फोर इज टू फाइव जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ओके आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी यहां से बेसिकली मेरे पास टोटल मैन आ रहा है एंड ये चीज मैंने मल्टीप्लाई करके टोटल के साथ उसका कंपैरिजन कर लिया टोटल मैन मेरा ऐसे ही आएगा सिमिलरली टोटल मेरा ऐसे आ जाएगा मैन इज टू वीमेन करना था तो दिस डिवाइडेड बाय थ्री एक्स बाय थ्री वाई एंड उसको रेसिप्रोकल करके मैंने ऊपर ले आया तो मेरा ये जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो इस तरीके से मीट हो गया एंड मेरा रेशियो जो है वो फोर इज टू फाइव आ गया आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आया होगा ओके okay. अब ये हमारा न्यू क्वेश्चन है जहां पर ये बेसिकली इनकम एक्सपेंडिचर टाइप का ही एक क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपको कुछ चेंज दिया दिया होता है नंबर्स में और उन चेंज की वजह से हमारा जो फाइनल रेशियो होता है ना उसमें भी जो है वो चेंज आ रहा होता है जैसे फॉर एग्जांपल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ बास्केट इज फाइव तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का जो बेसिकली रेशियो है वो फाइव है करेक्ट आफ्टर आई गेव 21 एप्पल्स ट्वेंटी वन देने के बाद मेरा जो फाइनल रेशियो है वो टू इज टू थ्री बन गया है तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये आप इसको ऐसे कर सकते हो फाइव एक्स माइनस ट्वेंटीड बाई फोर एक्स इज इक्वल फिफ्टीन एक्स माइनस सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू एट एक्स तो सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू सेवन एक्स एक्स इज इक्वल टू नाइन तो जब मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो नाइन आ गई है

ठीक है बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था आपको ये वाला है। इस में बोला गया है, office, 1200 तो सबसे पहले तो जो हमारे इंप्लॉयज का नंबर दिया गया सबसे पहले मैं इसको जो है वो अलग ट्वेल्व हंड्रेड मेरे टोटल इंप्लॉयज है एंड एट का रेशियो का क्या मीनिंग हो जाएगा दैट सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी मेरे अर्बन है जो कि एट रे, रेशियो की वैल्यू है एंड सेवन यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई सेवन यूनिट्स की वैल्यू हो जाएगी फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी आपने ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता ही होगा मैंने इसको कैसे फाइंड आउट किया ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाय एट प्लस सेवन दैट इज एट प्लस सेवन एंड मल्टीप्लाइड बाय जो भी रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है ये ऊपर हम लोगों ने इसका डिविजन जो है वो ऑलरेडी देख रखा है ये हो गया अर्बन ये हो गया रूरल अब आगे मुझे बोला गया है सम न्यू आउट ऑफ इज फ्रॉम रूरल एरिया अब कुछ नए इम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है जिसमें ट्वेंटी जो है वो रूरल एरिया से है तो ट्वेंटी अर्बन सॉरी नॉट हियर ट्वेंटी जो है वो एक्स्ट्रा जो नंबर है वो एड हो जाएंगे तो अब जो नए रूरल इम्प्लॉयज का अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फाइव हंड्रेड एंड एटी हो जाएगा आगे मुझे बोला गया है एंड द न्यू रेशियो बिकम्स फाइव इज टू फोर मतलब जो नया रेशियो है ना अर्बन एंड रूरल का वो फाइव इज टू फोर बन गया है तो सिंपल सा चीज है जो ये फाइव एटी है ना वो फोर रेशियो की वैल्यू है तो फाइव एटी जो है वो हमारे रेशियो की वैल्यू है हम लोगों को क्या पता करना है फाइंड द नंबर ऑफ न्यू अर्बन मेंबर्स हु पर कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया है तो कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया, तो किया होगा ये पता करने के लिए मुझे फाइव रेशियो की वैल्यू पता करनी पड़ेगी तो मैं सिंपली इसको जो है वो फाइव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइव एटी डिवाइडेड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव कम्स आउट टू बी सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो एक्स्ट्रा कितनों ने ज्वाइन किया आप डायरेक्टली सेवन ट्वेंटी फाइव आंसर नहीं करोगे कई बार हम लोगों को ये भी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है आप इसको 640 से करोगे तो तो आंसर आएगा 85. तो 85 नए अर्बन मेंबर्स ने ज्वाइन किया है तब जाकर हमारा जो रेशियो है ना वो चेंज हो गया है फाइव इंस टू फोर में तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपके रेशियो चेंज पर जो है वो बेस्ड होते हैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो है मैं आपको दो तरीकों से बताऊंगा एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये इसको अगर आपके लॉजिक्स आपके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इजिली सॉल्व कर जाओगे इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हु एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड वर मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हुए हैं पास इज टू फेल का मुझे रेशियो क्या दिया हुआ ट्वेंटी फाइव इज टू फोर

मैं इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर लो क्योंकि वहां पर मुझे इसको सॉल्व करने का ज्यादा अच्छा तरीका मिल मिल पाएगा कैसे जैसे आप इनिशियली देखो टोटल स्टूडेंट टू फेल्ड स्टूडेंट देखो क्योंकि मुझे चेंज किस पर दिया गया है टोटल स्टूडेंट पे एक बच्चा ज्यादा आया ना भाई तो मैं टोटल स्टूडेंट को कंपेयर करूंगा टोटल स्टूडेंट्स इनिशियली में कितने हैं भाई 25 प्लस दैट कम्स आउट टू बी 29 मतलब मेरे पहले जो है वो टोटल तो, स्टूडेंट्स थे 29 एंड फेल कितने स्टूडेंट्स हुए थे चार हुए थे करेक्ट अब मुझे आगे बोला गया अगर एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है टोटल स्टूडेंट में एंड फेल स्टूडेंट में तीन लोग अगर कम फेल होते हैं तो मेरा जो फाइनल रेशियो बन जाता है वो बन जाता है कितना ट्वेंटी टू इंस टू थ्री अब टोटल पता करो पहले कितना है टोटल होगा इसमें ट्वेंटी फाइव ठीक है डिवाइडेड ट्वेंटी फाइव रेशियो थ्री ठीक है ट्वेंटी फाइव रेशियो थ्री जो है वो आपका करेक्ट रेशियो बनेगा क्योंकि मैं यहां पर टोटल को काउंट कर रहा हूं तो मेरा जो फाइनल रेशियो उसमें भी मैं टोटल को ही इंक्लूड करूंगा बस ये अब आपका इनकम एक्सपेंडिचर कह लो या रेशियो चेंज वाला क्वेश्चन तरीके प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू हंड्रेड एक्स Minus 75, so 78x is to 13, sorry, 78 is to 13x and x value x value 6. तो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे यहां पर भी मुझे हिंट मिल रहा है क्वेश्चन को जो है मुझे टोटल स्टूडेंट्स लेकर के करना था ना कि पास और फेल को लेकर के तो टोटल स्टूडेंट्स इनिशियली 29 थे तो इनिशियली 29 रेशियो की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है दैट कम्स टू बी 174. ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर मैं आपसे एक और लॉजिकल सेकेंड मेथड की बात करूं तो आप ये चीज समझो दैट अगर मैं पास और फेल को छोड़ करके डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर ही डील करूं तो आप यहां पर देखो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे अगर मैं इनिशियली की बात करूं तो इनिशियली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 25 प्लस 4 यानी कि 29 यूनिट्स कह 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 लो 29 लो एक्स जो मर्जी लो ठीक है एंड फाइनल कितने स्टूडेंट्स हुए फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनली जो स्टूडेंट्स का रेशियो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो ट्वेंटी टू प्लस थ्री कितना ट्वेंटी फाइव 25. तो ट्वेंटी फाइव एक्स के करीब यानी कि जो इनिशियली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ना वो ट्वेंटी नाइन का मल्टीपल थे एंड जो फाइनली इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए वो जो है वो ट्वेंटी फाइव के मल्टीपल में आएंगे अब इस चेंज का रीजन क्या है इस चेंज का रीजन है वो एक बच्चा करेक्ट वो एक बच्चा जो एक्स्ट्रा एड हो गया ना उसकी वजह से जो ये रेशियो है ये पूरा का पूरा रेशियो जो है वो चेंज हुआ है तो मुझे बस सिंपली क्या करना है इस एक बच्चे का जो रीजन है वो मुझे फाइंड आउट करना है तो आप अगर 29 के मल्टीपल में चलोगे तो 29 नाइन इंटू टू क्या होता है भाई 29 58 ठीक है 29 नाइन इंटू थ्री करोगे तो 87 ठीक है 4 करोगे तो 29 नाइन इंटू क्या हो जाएगा 116 फाइव करोगे तो वन फोर्टी फाइव एंड सिक्स कर दोगे तो आ जाएगा आपका वन सेवेंटी फोर इस तरीके से जो ये नंबर है ना वो जाने लगेगा सिमिलरली जब आप ट्वेंटी फाइव का करोगे तो ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव फिफ्टी सेवेंटी फाइव हंड्रेड वन ट्वेंटी फाइव वन फिफ्टी एंड वन सेवेंटी फाइव तो आप यहां पर देखो मेरे पास 29 को 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या नंबर आ रहा है 174 एंड 25 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करने से मेरा 175 आ रहा है डिफरेंस जो है वो वन यूनिट का आ चुका है तो ये वो ए एक स्टूडेंट जो है वो जो मुझे एक्स्ट्रा आ रहा था उसका मुझे यहां पर जो है वो मिल चुका है दैट वो एक स्टूडेंट जो आ रहा है उसके आने से पहले वन मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट था एंड वन मेरे फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए तो यहां से मुझे पता चल गया ट वो जो टोटल इनिशियली नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो 174 थे एंड एक स्टूडेंट आने के बाद 175 होगा तो यहां से आपको लॉजिकली भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे अगर आपके लॉजिक्स अगर क्लियर है तो आप इस वे में भी जो है वो चीजों को एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड है ये इस तरीके से भी जा सकते थे अब इसके बाद आप ट्वेंटी का कितना भी आगे मल्टीपल ले जाओ इन दोनों के बीच में वन का गैप जो है ना वो बहुत मतलब उसकी पॉसिबिलिटी न के बराबर है ठीक है एंड वैसे भी ऑप्शन को देख करके आपको एक हिंट लग जाता है दैट बहुत ही जल्दी ही आपको जो है वो गैप जो है वो मिलने वाला है ठीक है इस तरीके से तो चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं टाइप नंबर सेवन हो जाता है आपका एजेस कई बार रेशियो प्रपोर्शन में एजेस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो एजेस में बेसिकली किसी दो मेंबर uh, की जो है वो एज दी जाती है एंड कुछ कंडीशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को गिवन सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व करना होता है तो चलो स्टार्ट करते हैं फादर इज एज थ्री टाइम्स मोर देन हिज सन रॉनिट तो फादर एंड सन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान देने वाली है that का one and father का three नहीं होगा क्योंकि यहां पर three times more बोला गया है। इस मोर का मतलब है थ्री तो आपका आएगा फोर कई बार स्टूडेंट जो है वो थ्री टाइम्स मोर को डायरेक्टली थ्री लिख करके सॉल्व कर देते हैं अगर केवल थ्री टाइम्स लिखा होता तब आप वन का रेशियो लेते हैं। अब बोला गया है दैट आफ्टर एट ईयर्स मतलब एट ईयर्स के बाद ही वुड बी टू एंड अ हाफ टाइम रोनित अगर आठ साल के बाद अगर रोनित का एज वन रेशियो है तो फादर की एज जो है वो टू एंड हाफ यानी कि फाइव बाई टू होगी करेक्ट फाइव बाय टू इज टू वन तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं दोनों रेशियो में टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं सिंपली मेरा जो है वो फाइव इज टू टू का रेशियो मेरा बन जाएगा आठ सालों के बाद अब आगे मुझे बोला गया आफ्टर फर्दर एट इयर्स हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ रोनित से तो चलो फर्दर एट इयर्स का मुझे जो है वो एज पूछा हुआ है तो यहां तक जाने से पहले मैं पता कर लेता हूं इनकी एज exactly क्या है तो आप यहां पर देखो फोर एक्स प्लस एट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एट इज टू फाइव बाई टू मुझे बस ये सॉल्व करना है एट एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर्टी थ्री एक्स इज टू ट्वेंटी फोर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ठीक है तो जब एक की वैल्यू आ गई तो फादर का एज कितना होगा? 32 years. And होगा सन 8. का 8 के बाद इनका जो है वो हो जाएगा जाएगा के बाद आ जाएगा, 48 and 24. तो अब फादर जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ही ज्यादा एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को जो है वो चेक करने वाला है एंड इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके आपको जितना भी ज्यादा टाइम लगे दो मिनट पांच मिनट दस मिनट आप इस पर टाइम स्पेंड करो बिकॉज ये बेसिकली इक्वेशन फॉर्म होंगे होंगे इसमें एंड इससे आपके एजेस वाले क्वेश्चन को करने की क्लैरिटी और ज्यादा डेवलप होगी वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड समझते हैं दैट इसमें बोला क्या गया है ज ब्रदर इज थ्री ईयर्स एल्डर टू हिम हिज फादर वॉज ट्वेंटी अब देखो इस वाले वॉज ट्वेंटी एट ईयर सिस्टर वॉज बॉर्न इसका सिंपल सा ये मतलब है दैट क्वेश्चन आपको ये बोलना चाहता है दैट जो सिस्टर है ना सुरेश की उसकी एज से फादर हमेशा ट्वेंटी एट ईयर्स ज्यादा रहे होंगे मतलब ये फॉर एग्जाम्पल सिस्टर है ये फादर है जब सिस्टर जीरो की होंगी तो फादर उससे ट्वेंटी एट ईयर ज्यादा होंगे सिस्टर वन की होगी तो फादर एक साल ज्यादा होंगे तो हमेशा फादर जो है वो सिस्टर से ट्वेंटी रहेंगे मतलब अगर सिस्टर की एज है तो फादर की एज हमेशा एक्स प्लस ट्वेंटी एट होगी ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से डिराइव करना है ठीक है तो मैं आगे यहाँ पर जो है वो मेंशन करता चलता हूँ सुरेश इज ब्रदर इयर्स एल्डर टू हिम मतलब जो ब्रदर है ना वो सुरेश से तीन साल बड़ा है तो सुरेश प्लस थ्री मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं अब हिज फादर वॉज ट्वेंटी एट सिस्टर वॉज बॉर्न मतलब जो फादर है ना वो सिस्टर से हमेशा ट्वेंटी एट ईयर ज्यादा रहेंगे तो मैं यहां पर सिस्टर प्लस ट्वेंटी एट जो है वो मेंशन कर देता हूँ अब आगे मुझे बोला गया वाइल हिज मदर वॉज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स ऑफ एज वेन ही वॉज बॉर्न मतलब जो मदर है ना वो हमेशा सुरेश से कितने साल बड़ी रहेगी मदर जो है वो हमेशा ट्वेंटी सिक्स बड़ी रहेगी तो सुरेश प्लस ट्वेंटी बोला गया हिज हिज सिस्टर ऑफ एज ब्रदर वॉज बॉर्न तो जो सिस्टर है ना वो चार साल की थी जब उसके ब्रदर का जन्म हुआ था तो सिस्टर जो है हमेशा ब्रदर से चार साल बड़ी रहेगी तो सिस्टर जो है वो ब्रदर प्लस फोर ये उसका इक्वेशन बन रहा है ठीक है वैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पूरा लिख रहा हूं आप डायरेक्टली बी सिस्टर के लिए एस आई एस सुरेश के लिए एस इस तरीके से भी आप जो है वो चीजों को आगे लेकर के जा सकते हो अब इसके बाद मुझे क्या बोला गया क्या इंफॉर्मेशन दी गई है फाइंड द एज ऑफ सुरेश फादर वेन हिज ब्रदर वॉज बॉर्न तो मतलब मुझे बेसिकली पूछा गया है कि फादर और ब्रदर के बीच में एज का गैप क्या है मतलब फादर कितने साल के रहे होंगे जब सुरेश के ब्रदर का जन्म हुआ तो ब्रदर का जब जन्म हुआ प्लस एक्स मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूं तो मुझे basically, ultimately, ये चीज़ जो जो है 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 वो वो पूछी हुई है। अब finally, आप इन चारों को जो है वो देखोगे, को देखोगे चीजों करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा प्लस एक्स जो है वो फादर है वो अगर मैं इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर ये फाइव को कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो क्यों ना मैं इसको सिस्टर प्लस ट्वेंटी करेक्ट तो सिस्टर प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ब्रदर प्लस एक्स अब इसके बाद सिस्टर को देखो अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो यहां पर मैं डायरेक्टली सिस्टर वाला इक्वेशन जो है वो भी यूज कर सकता हूं सिस्टर का क्या सीन है सिस्टर इज ब्रदर प्लस फोर करेक्ट तो सिस्टर की जगह पर मैं लिख देता हूं ब्रदर प्लस फोर ब्रदर प्लस फोर प्लस ट्वेंटी एट इज इक्वल्स टू ब्रदर प्लस x करेक्ट तो ब्रदर से ब्रदर कैंसिल हो जाएगा 28 plus 4 इज 32 is x मतलब x की जो वैल्यू है वो 32 आ गई मतलब मैं यहां पर डायरेक्टली कह सकता हूं दैट जो ये फादर थे ना वो ब्रदर से हमेशा 32 इयर्स बड़े होंगे मतलब ये दैट जब ब्रदर का जन्म हुआ तब फादर जो है वो 32 इयर्स के थे करेक्ट तो सी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा ट्रिकी एंड लॉजिकल बन सकते हैं आपके एजेस वाले बाकी जो हम लोगों ने ये पीछे क्वेश्चन देखा इससे रिलेटेड मैंने और क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए बिकॉज इसमें बस आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन और ज्यादा कुछ ऐसा बन नहीं सकता है ठीक है जो लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब ये पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है पार्टनरशिप वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक बन जाता है आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन का इससे हमने केवल दो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे भी कोई बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है दैट जो पर्सन अगर मल्टीपल पर्सन है ए बी या फिर ए बी सी तो वो लोग कुछ अमाउंट यूज करके इन्वेस्ट करके कोई एक बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो उसी रेशियो में डिवाइड होता है जिस रेशियो में वो लोग अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय जितने टाइम के लिए वो लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल अमाउंट ऑफ वन लाख एंड टू लाख तो ए एंड बी ने वन लाख रुपीज डाला एंड बी ने दो लाख रुपए डाले हैं। ठीक है एट द एंड ऑफ द ईयर कितने साल के लिए डाला भाई एक साल के लिए डाला है एक साल लिख लो या ट्वेल्व मंथ्स लिख लो दोनों ही सेम चीज है बिकॉज अल्टीमेटली तो ये दोनों चीजें जो है वो ए एंड बी के रेशियो से कटने वाली है करेक्ट तो अल्टीमेटली इन्होंने कितने रेशियो में पैसा डाला है वन इज टू टू रेशियो में इन लोगों ने जो है वो पैसा डाला है करेक्ट अब आगे मुझे बोला गया है ईयर के एंड में जो प्रॉफिट हुआ है वो थर्टी थाउजेंड हुआ है फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन इन द प्रॉफिट तो ऑब्वियसली चीज है थर्टी uh, थाउजेंड जो है वो टोटल कितने रेशियो की वैल्यू है वन प्लस टू थ्री रेशियो की वैल्यू है हम लोगों को वन यूनिट की मतलब एक इंसान को जो है वो टेन थाउजेंड मिलेगा ए को बेसिकली क्योंकि उसने केवल एक लाख रुपए डाले थे एंड बी ने क्योंकि दो लाख रुपए डाले थे दो रेशियो पैसे डाले थे तो बी को ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज जो है वो मिलेगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो इस तरीके से जो आपके पार्टनरशिप के क्वेश्चन है वो उसके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं अब वीडियो को पॉज करो एंड जैसा मैंने बताया दैट जो भी पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं ना वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं सबसे पहला अमाउंट इन्वेस्टेड एंड दूसरा टाइम पहले क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो हमने अभी भी क्वेश्चन किया इसमें टाइम सेम था वन ईयर था आप इसको नॉट दिस वन वन ईयर था या तो आप इसको वन ईयर लिख लो या फिर ट्वेल्व मंथ लिख लो एक ही चीज है ठीक है तो अगर हमारा टाइम डिफरेंट हुआ जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने कुछ टाइम के बाद पैसा निकाल लिया या फिर बी ने कुछ टाइम के बाद और पैसा डाला सी ने जो है वो जल्दी ही बिजनेस से चला गया तो इस केसेस में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है वो आप इस क्वेश्चन में सीखोगे ठीक है अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सीखे या फिर आपको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर से खुद से इसको करने की जरूर कोशिश करना थ्री फ्रेंड्स अब यहां पर थ्री फ्रेंड्स हैं ए बी एंड सी मैं यहां पर जो है वो गैप देकर लिखता हूं so that मैं आपको explain कर पाऊं ए बी एंड सी है वो डाले बी ने भी जो है वो टेन थाउजेंड रुपीज डाले एंड सी ने भी जो है वो टेन थाउजेंड रुपीज डाले ठीक है अब मुझे आगे बोला हुआ है दैट आफ्टर फाइव मंथस ए हैज ए विदड्रुपीज थ्री थाउजेंड तो मतलब ए ने थाउजेंड रुपीज को पांच महीनों तक रहने दिया, करेक्ट। महीने तक रहने दिया प्रोडक्ट तो uh, आ, आ रहा होगा उसको आप एड करते हो अब तीन हजार रुपए निकालने के बाद एक के अकाउंट में सात हजार रुपए बचे सेवन थाउजेंड रुपीज वो उसने कब तक डाल रखे हैं भाई एट द एंड ऑफ द मतलब उसने

ठीक है आई होप आपको यहां तक जो है वो चीजें समझ में आई होगी अब ये बेसिकली कितना हो गया ये हो गया फिफ्टी थाउजेंड प्लस फोर्टी नाइन थाउजेंड ठीक है तो ये आपका हो गया नाइनटी नाइन थाउजेंड ठीक है बी में अगर आप देखो तो ये हो गया आपका फिफ्टी थाउजेंड और ये आपका हो गया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो ये बेसिकली वन लैक सिक्स थाउजेंड बन गया एंड सी में अगर आप देखो तो ये हो जाएगा फिफ्टी के प्लस थर्टीन इंटू सेवन इज नाइनटी वन के तो ये आपका फाइनली वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड हो गया ठीक है अब इसको आप सिंपलेस्ट रेशियो में जो है वो आप इसको जैसा हम लोग करते आए उसमें आप ब्रेक करोगे तो आपका आ जाएगा समवेयर अराउंड नाइनटी नाइन रेशियो वन जीरो सिक्स रेशियो वन फोर वन ये सिंपलेस्ट रेशियो है इससे ज्यादा और ये डिवाइड और ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है तो ए बी और सी ने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डाला जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट uh, है ना वो इस रेशियो में जो है वो डिवाइड होने वाला है ठीक है अब इस क्वेश्चन मैंने ऑप्शन नहीं दिया है बिकॉज अगर आप एक बार सीख गए दट इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है उसके बाद आपसे ए का शेयर पूछा हो या बी का शेयर पूछा हो या सी का शेयर पूछाओ आप अकॉर्डिंगली आंसर जो है वो दे सकते हो तो टोटल तो प्रॉफिट कितना हुआ है भाई टोटल प्रॉफिट हुआ है थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो थर्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है ये टोटल कितने रेशियोज की वैल्यू है ये टोटल है आपके 346 की रेशियो की वैल्यू मतलब 99 नाइन प्लस वन जीरो सिक्स प्लस वन फोर वन दैट कम्स आउट टू बी थ्री ठीक है तो ये 346 यूनिट्स की वैल्यू है अब बेस डिपेंड uh, करता है कि आपको किसका शेयर चाहिए अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ए का शेयर चाहिए तो आप ए के शेयर यानी कि 99 से इसको जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 9900 ठीक है बी का शेयर चाहिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं तो बी का शेयर हो जाएगा इसको मैं डिवाइड करके डायरेक्टली लिख देता हूं 100 106 यानी कि 10600 एंड सी का शेयर कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई वन यानी कि वन ठीक है तो ये इस तरीके से जो है वो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन इजिली आप इनको सोल्व कर सकते हो चलो आगे चलते हैं हम लोग तो अब हम लोगों को जो है वो प्रपोर्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट uh, में आपको बताना चाहूंगा बिकॉज प्रपोर्शन से रिलेटेड बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं बट आपको बेसिक जरूर से पता होना चाहिए प्रपोर्शन क्या होता है मीन प्रपोर्शन क्या होता है थर्ड प्रपोशन क्या होता है फोर्थ प्रपोशन क्या होता है एंड सो ऑन सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया नया है जस्ट इनकेस अगर आप कहीं कभी सुनते हो तो देखो प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है फोर डॉट्स लाइक दिस ठीक है एंड प्रपोर्शन का सिंपल मीनिंग होता है दैट वो दो रेशियो को इक्वल बताता है जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन कुछ भी लिखा रह सकता है तो इससे आप ये कंक्लूड करोगे दैट ए इज टू बी

कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको समझनी है जैसे कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है फोर्थ प्रपोर्शन की अगर मैं आपसे बात करूं मैं इसको रब कर देता हूं तो फोर्थ प्रपोर्शन के लिए अगर मुझसे बोला जाए दैट ए बी सी का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मुझे नंबर दिया गया है फाइंड क्वेश्चन ऐसा हो सकता है फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ ए बी सी तो फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब होता है ए इज टू बी

फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया तो इस तरीके से आप जो है वो फोर्थ प्रपोर्शन भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो इसके बाद मीन प्रपोर्शन हम लोगों को समझना है मीन प्रपोर्शन क्या होता है मीन प्रपोर्शन का सिंपल सा मीनिंग है बीच का मीनिंग बीच का नंबर जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी ऐसा अगर मुझे कुछ क्वेश्चन दिया गया फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी तो मुझे ये ये चीज समझनी होगी दैट मुझे पूछा गया दैट ए इज टू एक्स एक्स इज इज इन टू टू बी मतलब ये जो एक्स मैंने दो बार लिखा है ना इसको हम लोग बेसिकली मेन प्रपोर्शन बोलते हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ए बायल टू एक्स बाय बी तो यहां से मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वल टू ए बी एंड मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए मैं डायरेक्टली अंडर रूट ए बी भी जो है वो यूज कर सकता हूं ये फॉर्मुला भी बेसिकली आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा मैं इसको यहां पर भी जो है वो चेकआउट कर सकता हूं ठीक है इसके बाद हम लोगों को थर्ड प्रपोर्शन भी जो है वो फाइंड आउट करना होगा तो अगर मुझसे कोई थर्ड प्रपोर्शन पूछता है थर्ड प्रपोर्शन तो यहां पर मुझसे बेसिकली अगर ये चीज पूछी जाए फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ ए एंड बी ए एंड बी का मुझे थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है तो मुझे यह चीज पता होनी चाहिए दैट ए बाय बी ए रेशियो बी इज इन प्रपोर्शन टू बी रेशियो एक्स ये हमारा बेसिकली थर्ड प्रपोर्शन होता है अब आप इसको कंफ्यूज मत कर देना फोर्थ प्रपोर्शन में बेसिकली फोर्थ प्रपोर्शन में आपको तीन नंबर्स गिवन रहेंगे बट थर्ड प्रपोर्शन में आपको केवल दो नंबर्स दिए रहेंगे जो ये आपको बी वाला पार्टन है इसको आपको दो बार यूज़ करना रहता है तो आप साइड लिखा है so तो तो ये, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दिस इज सिंपली बी स्क्वायर बाय ए तो ये आप जो फाइनल आउटपुट देख रहे हो ना इसको आप जरूर से कंपेयर करना फोर्थ प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन से ठीक है वैसे फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया है तो फार्मूला जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्टली जो है वो इनको एज इट इज जो है वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे ठीक है तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो कि आप प्रपोर्शन से रिलेटेड चीजों को समझने के लिए यूज कर सकते हो जहां पर हम लोगों ने प्रपोर्शन का मीनिंग समझ लिया है उसके बाद प्रपोर्शन uh, से रिलेटेड जो बेसिक चीजें होती है जैसे कि मीन प्रपोर्शन हो गया फोर्थ प्रपोर्शन हो गया या फिर आपका थर्ड प्रपोर्शन होगा वो वो सब हम लोगों ने बेसिकली देख लिया इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो प्रपोर्शन से बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलेंगे आपसे बस सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ फोर एंड ट्वेंटी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे मीन प्रपोर्शन ऑफ फोर एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है तो आपको पता ही है दैट फोर मीन का क्या मीनिंग होता है फोर बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय ट्वेंटी टू हंड्रेड एंड एक्स की वैल्यू आपकी प्लस माइनस टेन तो बेसिकली हम लोग प्लस का वैल्यू लेंगे दैट इज टेन ठीक है इस तरीके से अब प्रपोर्शन में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम प्रपोर्शन डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो देखो मैं इसको रब कर देता हूं ये प्रपोर्शन का पार्ट नहीं है बट एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप रेशियो में ही रेशियोज में ही इंप्लीमेंट कर सकते हो ठीक है कई बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे देखने को वैसे तो बहुत ही कम मिले बट फिर भी आपको पता होना चाहिए सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो का मीनिंग होता है दैट आप रेशियो का जो है ना वो स्क्वायर कर देते हो जैसे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ लेट से वन इज टू टू इसका आपको डुप्लीकेट रेशियो पता करना है तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा वन का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर एज सिंपल एज दैट अगर आपसे पूछा जाए डुप्लीकेट रेशियो ऑफ टू इज टू थ्री तो टू का स्क्वायर इज टू थ्री का स्क्वायर ये होता है आपका डुप्लीकेट रेशियो उसके बाद आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो एज द नेम सजेस्ट इसमें आपको क्यूब करना रहता है जैसे अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ वन इज टू थ्री तो वन का तो वन ही रहेगा एंड थ्री का हो जाएगा ट्वेंटी सेवन या फिर टू इज टू थ्री तो यहां पर हो जाएगा एट इज टू ट्वेंटी सेवन इस तरीके से इसके बाद आपका आता है सब डुप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ लेट से ट्वेंटी फाइव इज टू थर्टी सिक्स तो आपका आंसर होना चाहिए फाइव इज सिक्स ये सब डुप्लीकेट हो गया जिसमें आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता है एंड सिंपली आपका सब ड्रिप्लीकेट रेशियो भी होता है इसमें आपको एज द नेम सजेस्ट इसमें आपको क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट करना रहता है जैसे फॉर फाइंड एक्साम्पल फाइंड्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ वन ट्वेंटी तो ये आपका आ जाएगा 5 is to 6. तो आई होप आपको यहां तक की सब कॉन्सेप्ट में आए होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे हम लोगों ने वो सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एंड वाइड वराइटी ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है आप इसको खुद के लेवल पर जरूर से ट्राई करो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये आ, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो इसको वैसे मैं इसको इनका सोल्यूशन आपको बता देता हूं अब बैग कंटेंट फाइव रुपीजी ट्वेंटी रुपी नोट रुपी के नोट्स नोट है टेन रुपीज के नोट्स हैं एंड ट्वेंटी रुपी के नोट हैं द रेशियो बिटवीन नोट एंड नोट इज टू एट अब देखो यहां पर जो है ना मुझे ब्रेक करके रेशियो दिया हुआ है पहले जो हमने कॉइन्स वाले क्वेश्चन किए थे उसमें मुझे डायरेक्टली जो रेशियो है वो दिया जा सकता था तो जितने हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको आपको मिक्स एंड मैच करके दिया जा सकता है तो 8, 5 10 का. आगे मुझे बोला गया नंबर ऑफ टेन रुपी एंड ट्वेंटी रुपी नोट आर इन रेशियो टेन इंस टू सेवन जो दो रेशियो है ना मुझे टेन इंस टू सेवन के फॉर्म में जो है वो दिया गया है। अब यहां से मुझे बेसिकली इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए मुझे एक रेशियो चाहिए जो इन तीनों को डिफाइन कर दे तो ऑब्वियसली मैं इसमें अपना शॉर्टकट लगाऊंगा आप इसको इक्वल करके भी कर सकते हो आपकी मर्जी है तो ये आपका हो गया हंड्रेड एंड टेन ये हो गया आपका एटी ये हो गया आपका फोर्टी नाइन तो मेरा जो फाइनल रेशियो बन गया वो कितना बन गया वो बन गया मेरा हंड्रेड एंड टेन एटी एंड ओके टेन इज टू सेवन ओके यहां पर एट आएगा एंड दिस विल बी फिफ्टी सिक्स करेक्ट ओके दिस विल बी 56 तो इसको मैं अगर सिंपलीफाई करूं तो मेरा सिंपलीफाइड फॉर्म में जो रेशियो आएगा वो आएगा फिफ्टी फाइव इज टू फोर्टी इज टू ट्वेंटी ठीक है तो मतलब मुझे ये पता चल गया दैट मेरा जो फाइव रुपीज का रेशियो 10 एंड ट्वेंटी रुपीज तीनों के रेशियो है वो फिफ्टी फाइव इज टू फोर्टी ट्वेंटी के रेशियो में तो मैं सिंपली बाकी सबको रब करके एंड जो फाइनल रेशियो बन रही है ना वो मैं यहाँ पर जो है वो मैंशन कर देता हूँ दैट इज नथिंग बट फिफ्टी आप इसको एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हो फोर्टी एंड ट्वेंटी ठीक है अब पांच रुपए के मैं इसको रब कर देता हूं नीचे वाले पार्ट को आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया बस इसके बाद ये सिंपल सा वाला क्वेश्चन बन गया जिसमें आपको टोटल नंबर टोटल अमाउंट दिया गया है टोटल नंबर ऑफ नहीं टोटल अमाउंट दिया गया है अब सिंपली आपको यहां पर पता चल जाएगा दैट अगर मेरे पास पांच रुपए के फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव नोट्स हैं तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई उनका वैल्यू हो जाएगा टू सेवेंटी फाइव एक्स सिमिलरली ये हो जाएगा आपका फोर हंड्रेड एक्स एंड ये हो जाएगा आपका कितना फाइव हंड्रेड एंड सिक्स ठीक है अब इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ट्वेल्वी फाइव आ रहा है मेरा 1235 x is equal to मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल सम कितना है है भाई अमाउंट का वो ठीक है, है बस इसके बाद आपको सिंपली x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेना है जो कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी थ्री बेसिकली आप इसको जो है वो नीचे सेंड आउट करोगे तो यह आपका आ गया कितना थ्री आगे पूछा क्या गया व्हाट इज द नंबर ऑफ टेन रुपी नोट तो टेन रुपी नोट जो थे वो फोर्टी एक्स थे तो फोर्टी इंटू एक्स यानी कि थ्री यानी कि आपका वन हंड्रेड ट्वेंटी जो है वो करेक्ट आंसर होगा वन ट्वेंटी क्वॉइन्स थे टोटल आपके बैग में ठीक है इसके बाद हम लोग अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना ये काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं अब इसमें चेंज तो दिया हुआ है बट एग्जैक्ट चेंज जो है वो मुझे नहीं दिया गया है ठीक है मतलब अमन एंड प्रदीप दो लड़के हैं अमन एंड प्रदीप इनके पास इनिशियली कुछ मार्बल्स थे जिनका रेशियो फोर इज टू नाइन था तो अमन के पास फोर रेशियो फोर यूनिट्स मार्बल थे एंड प्रदीप के पास नाइन यूनिट ऑफ मार्बल्स थे उसके बाद मुझे बोला गया अमन जो है ना कुछ अपने मार्बल जो है वो प्रदीप को दे देता है कितने देता है मुझे नहीं पता है, है माइनस मतलब बिल्कुल भी नहीं पता है कि कितने मार्बल्स उसने प्रदीप को दिए उसके बाद जो जो रेशियो है है ना वो बन जाता है। तो अब जो मेरा नया रेशियो है वो फाइव गया है अब मुझे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स दैट अमन गेव टू प्रदीप सो एज टू सेटिस्फाई द कंडीशन मतलब मिनिमम अमन ने कितने नंबर ऑफ मार्बल्स दिए होंगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है right? अगर मुझे final amount of marble दिया जाता या फिर इनिशियल अमाउंट ऑफ मार्बल दिया जाता तब तो चलो मैं इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व भी कर लेता बट अब यहां पर मुझे कुछ भी नहीं प्रेजेंट है कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा ऐसे केस में आपको यह चीज ध्यान रखना होगा ट अमन एंड प्रदीप के पास इनिशियली टोटल जितने मार्बल्स थे ना फाइनली भी उतने ही रहे होंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल uh, ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के अमन के पास आठ मार्बल्स हैं प्रदीप के पास पांच है टोटल थर्टीन मार्बल्स है अब अमन ने तीन मार्बल जो है वो प्रदीप को दे दिए तो अब प्रदीप के पास एट मार्बल्स हो गए अमन के पास फाइव हो गया तो अभी भी तो टोटल मार्बल सेम ही है ना भाई टोटल मार्बल तो हमेशा सेम रहेगा करेक्ट ये लोग आपस में अदला बदली कर रहे हैं बट यहां पर देखो टोटल मार्बल कितने यूनिट है थर्टीन यूनिट्स का आपको टोटल मार्बल दिखाई दे रहा है बट जो हमारा नीचे है उसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है सिक्स प्लस फाइव यानी कि लेवन यूनिट्स आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स का बेसिकली यूनिट दिखाई दे रहा है ठीक है मतलब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है एक बार मैं कह रहा हूं दैट मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्बल थर्टी है दूसरी बार कह रहा हूँ दै भाई मेरा टोटल नंबर ऑफ मार्बल जो है वो लेवन है तो ऑब्वियसली इस चीज को मुझे रिमूव करना पड़ेगा कैसे रिमूव कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मतलब इस पूरे को मैं इलेवन से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इस पूरे को मैं थर्टीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब जो मेरा रेशियो बनेगा वो बन जाएगा फोर्टी फोर इज टू नाइनटी नाइन ठीक है एंड नीचे मेरा कितना रेशियो बन जाएगा भाई नीचे मेरा रेशियो बन जाएगा सिक्सटी फाइव Is to 78. अब आप मतलब अब मेरा टोटल मार्बल जो है ना वो सिंक कर रहा है तो ऑब चीज है इस चीज को अचीव करने के लिए मिनिमम मुझे कितना नंबर देना पड़ेगा भाई मिनिमम नाइन नाइन थे प्रदीप के पास पहले कुछ उसने मार्बल दे दिए तो 78 बच गया तो 98 एट माइनस सेवेंटी जो है वो 21 आपके मार्बल का अमाउंट आ गया अब आपको ये चीज लॉजिकली सोचना पड़ेगा ये 21 वन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्बल्स नहीं है ये 21 का मल्टीपल रहेगा आपका जो नंबर आएगा ना वो 21 का मल्टीपल रहेगा मतलब आप इसको ट्वेंटी वन समझ लो ना मतलब अगर मेरे मार्बल्स सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होते हैं ना दो दो टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं तो फोर्टी मार्बल्स देने पर भी मेरा ये रेशियो मीट करेगा तीन टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर 63 मार्बल्स देने से भी जो है मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बट मुझे क्या पूछा पूछा हुआ मुझे हुआ है है मुझे मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स ठीक है मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल कितना होगा भाई मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स आपके ट्वेंटी वन मिनिमम नंबर ऑफ मार्बल्स देने के बाद मेरा ये जो ऊपर कंडीशन दिया हुआ है ना वो मेरा एक्जैक्टली exactly कहीं ना कहीं जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे एंड आपने हम लोगों ने अभी तक बहुत ही ज्यादा वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो रेशियो प्रपोर्शन में कर लिया है तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं आई होप आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो समझा होगा अब इसके बाद आप अपने लेवल पर पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिख जाएगा दैट हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर लिया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर आप जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम जहां से भी कर रहे हो किसी पेपर से या फिर किसी स्टडी मटेरियल से वहां से आप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो चीजों को तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस एटलीस्ट एफ्टी टू हंड्रेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन टेक केयर